नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पर हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था, तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। इवन दो मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुई, ऑलमोस्ट मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे थी, लेकिन मार्केट ने 5-6 मिनट के अंदर ही इस गैप को कवर कर लिया और पूरा दिन मार्केट जो है 90% टाइम ग्रीन जोन में या फ्लैट जोन में ट्रेड करती रही। लेकिन यहाँ पे लास्ट के दौरान जो है, लास्ट के आधे घंटे के दौरान कुछ हमें सेलिंग देखने को मिली और मार्केट 33 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोज हुई। तो फिलहाल मार्केट जो है वो अंडरग्राउंड मनी फ्लो को अच्छे से फॉलो कर रही है। बीच में कई फेज आते हैं जब मार्केट नहीं फॉलो करती कुछ दिन के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो कर रही है। दोस्तों, अगर हम कैश की बात करें, बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी की बात करें, तो DIIs और FIIs दोनों ने कैश के अंदर यहाँ पे सेलिंग करी। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में कोई हैवीवेट नहीं था, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में मोस्टली बैंकिंग या फाइनेंशियल के स्टॉक्स थे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक प्रमुख थे और बजाज फाइनेंस भी मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। तो कैश का मनी फ्लो जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे स्लाइटली पॉजिटिव था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं था, स्लाइटली पॉजिटिव था। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव थे और ये जो रेशो है हमारी वैल्यू टू वॉल्यूम वाली, ये डिक्रीज हुई, इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। D2C रेशो की बात करें तो कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था और जो हमारा ऑप्शंस का मनी फ्लो है वो नेगेटिव था। फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है वो भी नेगेटिव था, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। नेट मनी फ्लो नेगेटिव था जो कि वीकनेस का संकेत दे रहा है। FIIs की बड़ी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं है। मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नॉर्मली FIIs जो होते हैं उनका स्टॉप लॉस 300-400 पॉइंट्स का होता है। इस समय उनकी एवरेज प्राइस जो है शॉर्ट पोजीशंस की 1469 है। तो बेसिकली मार्केट ने आज जो है इनके स्टॉप लॉस के नजदीक मार्केट पहुंच गई थी। तो 1469 अगर इनका एवरेज प्राइस है तो 19769 से लेके 19869 के बीच में इनका कहीं पे स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट आज 19800 तक पहुंच गई। तो बेसिकली मार्केट ने आज इनके स्टॉप लॉस को टच किया, लेकिन वहां से फिर यहां पे सेलिंग शुरू हुई और जो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये वेस्टर्न FIIs हैं ये यहाँ से फिर से मार्केट को अपने कंफर्ट जोन के अंदर ले गए, ताकि मार्केट इनके स्टॉप लॉस से थोड़ा जो है नीचे की तरफ ट्रेड करे। तो दोस्तों, मार्केट इस समय काफ़ी क्रिटिकल लेवल के ऊपर है, यहाँ से डिसाइड होगा कि क्या इनका स्टॉप लॉस हिट होता है और एक शॉर्ट कवरिंग ये करते हैं या नहीं करते। थोड़ी बहुत पोजीशंस इन्होंने अभी क्लोज की हैं वेस्टर्न FIIs ने, लेकिन अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की जाती है तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकती है उस शॉर्ट कवरिंग की सहायता से। लेकिन अगर वेस्टर्न FIIs मार्केट को कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं, जैसा कि वो ज़्यादातर समय रहते हैं कंट्रोल करने में कामयाब, तो वहाँ से फिर मार्केट का अपसाइड लिमिटेड होगा। तो ये सब हमें अंडरग्राउंड मनी फ्लो की सहायता से इसका आइडिया लग जाएगा कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो में वीडियो के दौरान एक स्क्रीनशॉट की सहायता से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर हम यहाँ फ्यूचर्स की बात करें तो टेक्निकली देखा जाए, डेफिनेशन के हिसाब से, थ्योरेटिकली तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, प्राइस भी डिक्रीज हुआ जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग को हम यहाँ पे रेड के अंदर दिखा देते हैं, तो इसको हम रेड कर देते हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ मिक्स सिग्नल्स यहाँ पे देखने को
मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, स्लाइटली पॉजिटिव था। ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो नेगेटिव है, तो बेसिकली सरफेस मनी फ्लो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बात की जाए, कैश के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो बेसिकली FIIs भी एक वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया, जिसको आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद है कि सोमवार को भी मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी, जैसा कि मार्केट अभी तक कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।